ये कटड़ा छोड़ दिया है, हेलो दोस्तों, वेलकम टू विकास कुंडू व्लॉग्स अगेन। और आज जो हमारा व्लॉग है वो है बफेलो मिल्किंग, मतलब भैंस की धार कैसे निकाली जाती है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। मैं घर पे हूँ तो कुछ लोगों ने कमेंट किए थे कि इसकी बफेलो मिल्किंग भैंस की धार कैसे निकाली जाती है, इस पर फुल वीडियो बनाई जाए, तो आज हम फुल वीडियो बनाएंगे बफेलो मिल्किंग की। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारी वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये भाई अपनी जो भैंस है जिसकी हमें धार निकालनी है, ये भाई अभी क्या, बस दो मिनट और रुक जा तू। ये जानवर है लेकिन इनको ही पता है कब इनका टाइम हो गया है। अब ये अपने आप ही मतलब ऐसे सिग्नल देना शुरू कर देते हैं कि अभी धार निकालनी है, मतलब हरियाणवी भाषा में बोलते हैं भी रामड़ा शुरू कर देती हैं कि अब धार निकालनी है। और ये हमारे जो छोटा काटा देख रहे, ये इसका काटड़ा है, ये चुंगेगा। और ये है हमारी आज की मॉडल, मेरी वाइफ सिया, जो कि आज धार निकालेगी। और ये फुल तैयारी में है, आज फर्स्ट टाइम धार निकाल रही है। जो ले भाई, ये काटड़ा छोड़ दिया है भाई। काटड़े को जब खोलते हैं ना तो वो भैंस के थनों पे इस तरह टूटता है जैसे भूखे भेड़िए खरगोश पर टूटते हैं। क्या थन चुका हो काटड़ा दे? नॉर्मली वैसे तो काटड़े को एक ही थन हम चुंगाते हैं, क्योंकि ज़्यादा थनों का दूध अगर उसे चुंगाएंगे ना तो भाई उसका जो हाजमा है वो सिस्टम है उसको पचा नहीं पाएगा और वो बीमार पड़ जाएगा, इसलिए नॉर्मली हम एक ही तन का दूध चुंगाते हैं। और अभी भाई काटड़ा चुंग रहा है, अभी एक थन चुंगने के बाद फिर धार काटना शुरू करेंगे। ये जो हमारी भैंस है लगभग 12 केजी का, तो 12 केजी दूध देती है सुबह भी और शाम भी दोनों टाइम, और उसमें से 1.5 या 2 केजी है जो अकेले काटड़े को पिलाया जाता है, मतलब ये चुंग लेता है। ज़्यादा दूध इसको हम पिला नहीं सकते, वैसे तो सारा दूध ही इसका है, लेकिन जो रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से इसको वन अभी टाइम लगेगा थोड़ा, 1-2 मिनट में, क्योंकि अभी जो काटड़ा है वो चुंग रहा है। वैसे तो हरियाणा का राष्ट्रीय पशु दिल से घोषित कर रखा काटड़े को, बहुत हट्टी होता है शैतान, देख रहे हो नटखट एकदम बच्चों की तरह जिद्दी। बिना काटड़े को छोड़े भैंस है ना दूध देती नहीं, क्योंकि भैंस को थनों में जो दूध है, जो दूध रहता है उसको नीचे उतारने के लिए काटड़े को छोड़ना पड़ता है, जिस वजह से पूरा दूध नीचे उतर जाता है और दूध खिंचाई या मतलब धार निकालने में आसानी रहती है, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होती। कई सिचुएशन ऐसी होती है कई भैंसों के ना काटड़े स्टार्टिंग होती मतलब एक्सपायर्ड वगैरह हो जाते, तो वो उस टाइम ना धार निकालते हुए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। या ये कहिए अपने बच्चे के प्यार में भैंस मतलब एक प्रकार से दूध पूरा नीचे उतार लेती है, फिर धार निकालने में कोई दिक्कत रहती नहीं है। माँ बेटे का रिश्ता भी कह सकते हैं इसे, इंसान हो या जानवर प्रेम की भावना तो हर किसी में होती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है काटड़ा का पेट भर गया भाई हमारे का। और सिया जी बाल्टी लेकर आ गई है, पहले पानी से ना सारे चारों जो थन हैं तो थनों को धोएंगी, धोने के बाद ही धार निकालेंगे इनको साफ़ करने के बाद, क्योंकि काटड़े के चौंकने के बाद थोड़े गंदे हो जाते हैं। तो फिर मैडम ने धार काटनी शुरू कर दिए,
आवाज सुनाई दे रही है धार निकालती हुई, कैसी आवाज आती है बाल्टी की। ये देखो कैसे तिरछी नजर से देख रहा है, इसका बस चले ना तो कुछ भी दूध ना छोड़े ही। और धार निकालना कोई आम बात नहीं है, जिसके हाथ मजबूत नहीं है नॉर्मली इंसान धार निकाल नहीं सकता, इसके लिए हाथों में ताकत चाहिए। अभी कम से कम मतलब 5 या 7 मिनट लगेगी धार काटने में। ओ बन्ना तू पिया दे यार थोड़ा। अगर आपके हाथ कमज़ोर है ना भाई तो आप धार काट दिया करो भैंस की, हाथ है ना और कलाइयाँ बड़ी मजबूत हो जाएंगी, एकदम फौलादी कलाइयाँ। मज़ा आ गया, कभी ट्राई करना है ऐसे। जो धार होती है ना दूध निकालते हुए साथ ही साथ पिया जाए ना, तो उस दूध में काफ़ी प्रोटीन होता है, काफ़ी ताकतवर होता है वो, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश होता है उस टाइम। और भाई हरियाणा में तो पहलवान ऐसे तो पाए जाते नहीं, वो तो धार निकालते ही दूध पीना शुरू कर देते हैं। और ये हमारी वाइफ मैडम सिया धार निकाल रही है, और भैंस मेरी तरफ देख रही कि वाह आवाज मेरी वीडियो बन रही है, क्या बात है। धीरे धीरे लगभग लगभग आधी बाल्टी हो चुकी है अभी। और हमारी वीडियो देखने वाले जो जो भाई धार निकालते हैं वो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा काटड़ा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ही रहा है, ये तो बदला लेगा मुझसे कभी ना कभी, देख लेना बड़ा होके। लो जी फाइनली मेरी वाइफ सिया ने धार निकाल रही है, मैं भी अंदर जाके एक मिनट आ मोटर फ्रेश दूध का एक गिलास मार लेता हूँ जाके। मैं क्यों मोटा हूँ धार काट ली मैं इसकी, मन्ना भी देते गिलास भर के दूध का। ये बाल्टी अपनी दूध की भर गई है, एक गिलास में भी पी लू लग गया लोग क्या बताता हूँ। निकड़ो निकड़ो दूध पीने का अलग ही मजा है, एक गिलास पी लोगे ना शाम तक भूख नहीं लगनी, फुल प्रोटीन फुल एनर्जी। मज़ा आ गया भाई। तो भाई यह थी अपनी पूरी वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। राम राम जी।